पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा आबादी होने के बाद भी नागिन ने ये रूप लेने का फैसला किया है। ये हरामी नागिन कम किसी नई प्रजाति के पोकेमोन ज्यादा लग रहे हैं। कतई भड़वा सौर तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। चलती कलम मेरे चलते हैं पेज, मुझे आती है हिंदी ना बनता अंग्रेज, मुझसे भिड़े गाना है तेरे बस की तू घर जाओ। तो, कल अपने स्वागत है आप सबका। यार देखो मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुझे कोरोना हो गया है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं पासवर्ड ही भूल गया हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं जुपिटर पे चला गया, और कुछ बकचोद प्रजाति के लोगों को ऐसा लग रहा था मर गया मादर चोट लाला खैर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरी जिंदगी में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, इतनी ज्यादा कमी कि एक बार को तो संदीप महेश्वरी ने भी हार मान ली, लेकिन तभी मेरे सामने चूतड़ मोटिवेशन के बादशाह ने अवतार लिया और मुझे ये वीडियो दिखाई, जिसको देखने के बाद भाई साहब मेरी जिंदगी में जो गांड फाड़ते हुए मोटिवेशन आया है कि अब अगर हगने भी बैठ रहा हूँ तो मोटिवेशन निकल रहा है। कतई मोटिवेशन से मैंने नालियां जाम कर दी। तुम हार के बैठे हो, तुम हार के बैठे हो, सुनना एक बार ध्यान से, मन लगा कर सुनना, मुझे देखो, मुझे तुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू हार, तुझे ये बोल रहा हूँ तू कर सकता है, तू करेगा, उठ के तो देख कितना मजा है लड़ने में। फिर ऐसे ही लौंडे फूक मार के अपने बाबू के सर का दर्द ठीक कर देते हैं। आई कैन डू इट अरे भोसड़ी वाले इतना दम लगा करके कौन सा मोटिवेशन दे रहा है, नहीं इतना कमजोर शरीर मोटिवेशन देता हुआ नहीं अस्पताल में भर्ती होता हुआ अच्छा लगता है। और ये मत समझना कि इन आंडल हरकतों में ये उद्यमी बालक अकेला है, ना ना ना, यूट्यूब पे तो मोटिवेशन देना लोगों ने धंधा बना रखा है। बेस्ट मोटिवेशन इन हिंदी भाग बहन चोद। और जब पछता कर मेरे पास वापस आना चाहेगी ना तो प्यार से बुला कर तुझे मिडिल वाली फिंगर दिखाऊंगा। पर यार जो भी हो तुझसे ना मैंने सच्चा प्यार किया है, तो जाते जाते तुझे बस यही बोलना चाहता हूँ भग बहनचोद। बहनचोद बोल रहा है। अभद्रता की पराकाष्ठा है आप। इस दुनिया को ऐसे ही मोटिवेशन की जरूरत है। नहीं वैसे देखो मैं जानता हूँ यूट्यूब ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि दरवाजा कैसे बंद करें, लाइट कैसे जलाएं, मैगी में आलू डाल के तबाही कैसे मचाएं, और तो और मुठ कैसे मारें। Yes, I'm serious. नॉर्मल तरीकों को छोड़कर और भी बहुत तरीका है जिससे ज्यादा प्लेजर मिलता है, ये मेरी गारंटी है। 100% श्योर कि नॉर्मल तरीकों से ज्यादा मजा आएगा। पास, यही जानने के लिए तो हम लोगों ने जन्म लिया था। नहीं ये कबूतर का घोंसला और आंखों में हवस भरी चमकान देख करके मैं आराम से बता सकता हूँ कि इस भटके हुए परिंदे ने मुठ मार मार के अपने बाथरूम की दीवारों का प्लास्टर तक उखाड़ दिया है। कभी तुम दो उंगली से ट्राई की हो? यस हंसता मत यार, दो उंगली ये चीज एक अलग किस्म का एक अलग मासूम सा प्लेजर गिफ्ट करेगा। मासूम ये हरकत मासूमियत में नहीं आती। अरे यार कोई काम धंधा कर लो, ओला उबर ही चला लो, लेकिन नहीं इनको तो दो उंगलियों से मासूमियत वाली फीलिंग लेनी है। मासूम फिर आज तुम्हारा भाई तुम सबसे वादा करता है कि इस वीडियो के खत्म होते होते आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगी कि आप बर्फीली पहाड़ी पर जा करके पोलर बियर की बूंद से पेप्सी का ढक्कन खोल देंगे। तो चलो यार दो उंगलियों से मासूमियत वाली फीलिंग लेना बंद करते हैं और शुरू करते हैं आज का मुठकदमा। तू भी टूटा है उसी तरह जिस तरह तेरा ये यार, इसीलिए तो तू ये वीडियो देख रहा है। सुन, उसे भूलना चाहता है और सिर्फ इसीलिए ये वीडियो देख रहा है, तो गलत है तू। सुन मेरे यार, उसको भूलना जरूरी नहीं है। हाँ इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि तू कैमरे से थोड़ा दूर हट जा। अरे यार ये फोन के कैमरे से चिपक करके मोटिवेशन देने का कौन सा तरीका है। नहीं पिछली बार जिस वीडियो में मैंने थूथ के इतना करीब कैमरा देखा था ना, उस वीडियो में गंजा सा हीरो था और वो मोटिवेशन नहीं कुछ और ही देने की कोशिश कर रहा था। खुद को बदलना जरूरी है, कुछ उखाड़ना है तो बदलना तो पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा। बिल्कुल
बिल्कुल सही बात, जिंदगी में भागना तो पड़ेगा। अगर आप भी अपने धोखेबाज प्यार को भुलाना चाहते हैं, वो प्यार जो इंस्टाग्राम पे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा करके ऐसी फोटो अपलोड करता है कि मानो बहनचोद कल ही हॉलीवुड से ऑफर आ जाएगा, तो उसको भुलाने के लिए आपको भागना तो पड़ेगा। हमारा भाई भी बहुत ज्यादा भागा है, बचपन में घरों की घंटी बजा के भागता था, आजकल लोगों की चेन खींच के भागता है, और कभी कदार जब ऐसी मुस्कान के साथ घर से निकलता है। इसीलिए तो ये वीडियो देख रहा है। तो कम से कम मोहल्ले के कुत्ते 4.5 किलोमीटर तक भगा ले जाते हैं। देखो यार, मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन ये जो वीडियो खत्म होने से पहले प्राचीन बकचोदी हुई है। नहीं, प्यूडी पाए भाई का ब्रो फिस्ट तो एक बार को फिर बर्दाश्त है, लेकिन ये खुले में हगना बंद करो। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर बीच सड़क पे कोई इंसान आपको ऐसे मुक्के चलाते हुए दिखाई दे तो तुरंत अपने करीबी नशा मुक्ति केंद्र को फोन करें और ऐसी चंट चूतिया हरकतों से दूर रहें, क्योंकि ये मजबूर हैं, आप नहीं। यही कहते हैं ना तुझको तेरे दोस्त, मरियल, लचकामन, मोटू, लूजर, और तू सुनता रहता है, तो अब मेरी भी सुन ले। भूल जा तू अब इन गालियों को, और बस याद रख उनकी तालियों को जो तेरी एंट्री पर बजती थी। और दौर बदलने के लिए तुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अपने बाइपेस को बढ़ाना पड़ेगा, खुद को सताना पड़ेगा। ये बाइपेस कौन सा बॉडी पार्ट होता है बे? अपने बाइपेस को बढ़ाना पड़ेगा। जबान नहीं टूट रही है अगले की, ऐसा लग रहा है मुंह में मेंढक दबा के बोल रहा है, लेकिन मोटिवेशन देने से बाज नहीं आएंगे। इन्हीं हरकतों के वजह से जवान लौंडों की दिन दहाड़े पिटाई हो जाती है। जब सारी दुनिया सो रही हो तब खुद को जगाना पड़ेगा। मौसम में कितना भी सर्द क्यों ना हो, मौसम कितना गर्म क्यों ना हो, तुझे खुद को जिम लाना पड़ेगा। हवाओं का बहुत तेज क्यों ना हो, समंदर में बवंडर क्यों ना हो, तुझे सुबह जिम जाना है तो जाना है, बाकी तू कुछ भी कर, ये सब तेरे लिए एक बहाना है। आए हाय, ये मोटिवेशन चल रहा है या गजल, मुझे कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा। इस आवाज के पीछे कौन है, अल्ताफ राजा? और मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये सुबह जल्दी उठने वाली बात पे इस देश के 90% लौंडों के बाप पिछले 20 साल से गान तोड़ रहे हैं, और अब यूट्यूब पे यूट्यूबर भी आके जलील करने लगे। बहुत बढ़िया, मतलब एक तो जंगल में आग, ऊपर से चड्डी में नाग। और अगर तुझे अब भी लगता है कि तू जिम करने नहीं जा रहा है तो जा, तू सो जा, तेरे सपने तुझे बुला रहे होंगे। मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। नहीं भाई नहीं, प्लीज प्लीज, और ऐसे गजल गाते हुए वीडियो मत बनाना, कोई रोको इस इंसान को, क्योंकि अगर मैंने एक दो वीडियोस और देख ली तो मेरी किडनी का पत्थर वापस आ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको मोटिवेट होने के लिए वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे मोटिवेशन थंबनेल से ही बहता है। मोटिवेशन की आग मस्ट वॉच। और ये भैरंड प्राणी देख रहे हो, 4 से 5 जानवर खा के आया है ये। जब एक साधारण इंसान पहली बार खुद को शीशे में नंगा देख लेता है तब बनती है ऐसी चकल। तेरा जिस्म नहीं फौलाद है, अगर मेरे जिम का ट्रेनर मुझे ऐसे बोले, तेरा जिस्म नहीं फौलाद है, मैं उसी वक्त जिम छोड़ के कोठे पे जाके दलिया बेचने लगूंगा। आग ही आग, 1 सेकंड ये लौड़ूचंद बिरयानी की डेग में क्यों बैठा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मोटिवेशन और आग का क्या रिश्ता है। जहाँ देखो आग 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 आग, कतई अनु मलिक हो रखे हैं सब। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब अपनी इस क्यूटनेस का तो डाल लेना आचार, क्योंकि अब भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। अब आंसू नहीं प्रोटीन पीता हूँ, कल कौन सी एक्सरसाइज करूंगा इसी सोच में जीता हूँ। हाँ तो इससे पहले जिंदगी तुम्हारे ऊपर सवाल उठाए, कोई काम धंधा कर लो, कब तक सुल्फे की फंकियां मारते रहोगे। और ये सोच में जीने वाले लोगों से बच के रहना चाहिए, ये वही लोग हैं जिनको बचपन में ऐसा लगता था कि एक बार आजा आजा वाला गाना सुनने से चुड़ैल आ जाएगी। खैर ऐसा तो मुझे भी लगता था। इसकी शक्ल देख के तुम्हें लगता है गर्लफ्रेंड होगी, बाल में कड़वा तेल देखो, ये चूरा है, बाल मुंह देखो इसका, इसको तुमको लगता है गर्लफ्रेंड होगी इसकी। यार शरीर देखो क्या बना के रखा है भाई, गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या मेरी? हमें तो कहीं से नहीं लगता मेरी गर्लफ्रेंड होगी। माय हेयर स्टाइल भी 10 साल पुरानी वाली है यार। खुद कटोरा कट रख के दूसरों के बालों को बुरा कहना भगवान की नजर में पाप है। और अभी तो रुको, बकचोदी खत्म नहीं हुई। ये गर्लफ्रेंड की बात की, अबे भाई मुझे इतनी तेज हंसी आ रही थी ना,
मैं तो अपनी हंसी को रोक के रखा। अगर मैंने अपना फोन दिखा दिया, गर्लफ्रेंड की लाइन लगी हुई है भाई। इस इंसान ने जैसे ही ये बोला, अगर मैंने अपना फोन दिखा दिया, गर्लफ्रेंड की लाइन लगी हुई है भाई, अंदर से मेरी आत्मा चिटक गई। नहीं, इस धरती पे रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी रंडवा रखेल सबको गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए, बस इसे नहीं। अरे सैनिटाइजर उबाल के पी जाता है ये। और इस वीडियो में आगे क्या हुआ? वही जो होना था। हमारा भाई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि ये कटोरा कट वाले लौंडे ने उनके बालों को चूतिया कह दिया है। फिर क्या था, हमारे भाई ने जिम ज्वाइन किया, बॉडी बनाई और कुछ दिनों बाद ही लक्ष्मी चिटफंड के सीईओ बन गए। नहीं नहीं, असली जिंदगी में ऐसा ही तो होता है। कुपोषित शरीर और छोटे भाई की शर्ट पहन के बस मिल जाएगी सक्सेस। अरे मोटिवेशन देने से पहले थोड़ा खुद तो ज्ञान बटोर लो। लेकिन खैर, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, फिर भी मोटिवेशन का माहौल है तो अपने सख्त लौंडों से आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में दो चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, कोरोना का रोग और मादरचोद लोग। राज का मुकदमा यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो और इस बाका जवान लौंडा जिसके डोले हैं 16 इंच, उसको पागल होते हुए पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसको दबाओ और बगल में घंटा बन के आएगा उसको भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ। और अब बस यार, मैं भी चलता हूँ क्योंकि खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंडिंग लगाओ के शो पे। करूं करियर खत्म अब जवानी में, मैं सबके मन की बात जानू, अंतर्यामी हूँ मैं। वैसे तो लड़का शरीफ हूँ पर जब जरूरत पड़ी तब हरामी हूँ मैं। मुझ मत तू बता क्या करने का लाइफ में, फोकट में मासूम।